एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता तथा महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़े दुखी चेहरे लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा, क्यों न वो भी अपनी समस्याओं को भगवान के समक्ष रखे। मन में विचार लिए वो भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग पंक्तिबद्ध खड़े होकर अपनी समस्याओं को बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। इस पर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा, मेरा तो स्वयं का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है, लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो, औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो, मुख दिया है ताकि लोगों से दो मीठे शब्द बोल सकते हो, उनकी प्रशंसा कर सकते हो, दो हाथ दिए हैं लोगों को मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये तीनों चीज़ें दी हैं वो कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है, ये तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न न होने दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वो फिर कभी दुखी नहीं हुआ।